एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, धंधे वाला, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मैं डॉक्टर दीपक गायकर हूँ, सन्मित्रबंध कोऑपरेटिव बैंक अकोला का चेयरमैन हूँ। हमारे जो बोरोअर्स है, जो हमारे से लोन लेते हैं, उनको हम बिजनेस के बारे में कोचिंग करते हैं, बताते हैं, उनको सिखाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है उसको कुछ साल काम करना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, धंधे वाला है, उसका धंधा है, बिजनेस है उसका, और वो बहुत साल काम करता है, उसको उस तरह का जीवन जीना पड़ता है कि बाकी लोगों को वैसा जीवन जीते नहीं है, वैसा जो ऑर्डिनरी सामान्य आदमी है उससे अलग, उससे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, अलग तरह से जीवन जीना पड़ता है। मगर वो यदि करता है कुछ साल, तो जिंदगी के बाकी साल उसको ऐसे मिलेंगे जीने के कि जो लोग बाकी जी नहीं सकते, वैसा जीने को मिलेगा। तो कुछ साल हार्ड वर्क है मगर बाकी साल मजा कर लो, इस तरह का जीवन है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बड़ा सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है। सोचने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है, थिंक बिग ऐसा बोलते हैं। मगर हम क्या है कि बाय हैबिट, एक आदत से हम सोचते भी बड़े नहीं, हम बड़ा सोचेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। सोचने के लिए थोड़ी पैसा लगता है, सोचो बड़ा, उसके बारे में प्लान बनाओ, कैसा हो सकता है वो सोचो, प्लान बनाओ, काम करना चालू करो, तो डेफिनेटली यश मिलेगा। किसी ने कहा है कि आप बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचना किसके बाप की जागीर नहीं है। और फिर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर का एक गुण ऐसा होता है कि वो स्टार्ट करना चालू करता, मतलब स्टार्ट करता है काम, एक्शन ले लेता है। क्योंकि आप जब सोचते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब वो एक्शन चालू करता है हो सकता है कि फेल हो जाएगा, हो सकता है कि उसको यश नहीं मिलेगा उतना, हो सकता है कि मतलब उसको नुकसान हो जाएगा, मगर कम से कम चालू तो करता है, क्योंकि चालू करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर का एक गुण जो है कि गेटिंग स्टार्टेड, चालू करना। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है कि जो आदमी सक्सेस की सोचता है, सक्सेस के बारे में सपने देखता है, और जब सुबह उठता है तो वो जो सपने देखे हुए रात के अंधेरे में, वो सपने सच करने के लिए लगा रहता है, और वो सच कर देता है, उसके लिए एक्शन लेता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। सबसे बड़ी रिस्क लाइफ में वो है कि रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क आप नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो आदमी है कि जो रिस्क लेता है, स्टेक पे लगाता है, नुकसान सहन करने की ताकत रखता है और आगे बढ़ता है। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है कि जो अपने कुल्हाड़ी को धार लगाते रहता है, तेज करते रहता है। किसी ने कहा है कि मुझे पेड़ काटने के लिए 4 घंटे का समय मिला, तो उसमें से पहले आधा घंटा मैं मेरे कुल्हाड़ी को धार लगा दूंगा, उसको तेज करूंगा, ताकि मेरा काम मैं अच्छा कर सकूं। हम क्या करते हैं कि हम काम 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 करने के चक्कर में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कोई भी चीज नहीं सीखना। हम क्या है कि काम करने के चक्कर में हम नई नई बातें सीखते नहीं है, तो नई नई बातें सीखना, जो नॉलेज है उसको धार लगाना, तेज करना, नया नॉलेज लेना, अपने आप को अपडेट करना, अप टू डेट करना, तो वो जरूरी होता है। तो आपको जो भी समय है उसमें का कुछ समय आपने बाजू रखना है सीखने के लिए, नई चीज सीखना है, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है कि वो अपने कुल्हाड़ी को तेज करता है, धार लगाता है, जो नॉलेज है उसको तेज करता है, ताकि वो नॉलेज का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सके। काफी बार एंटरप्रेन्योर को सामना करना पड़ता है फेल्योर का। वैसे ही काफी बार वो क्या होता है कि कुछ लोग सक्सेस के तरफ जाते जाते बीच में थक जाते हैं, और थक के वो काम रोक देते हैं, नहीं अभी थक गए। कुछ लोग सक्सेस के लिए दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सक्सेस के पास में वो पहुंच जाते हैं, एकदम पास में करीब, सक्सेस थोड़े कदम आगे है, उस समय थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और वो फेल हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है कि जो कंसिस्टेंटली आखिरी तक चलते ही रहता है, दौड़ते रहता है, काम करते रहता है, उसको मालूम है कि सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाला ही है, तो वो रुकता नहीं, थकता नहीं, और आगे बढ़ते रहता है। कोई बैरियर आ गया, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उसको पार करके आगे जाते रहता है। फेलियर से डरता नहीं है, रुकता भी नहीं है, क्योंकि रुकना मना है और डरना मना है, ये उसको पक्का मालूम है। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है
कि जिसको मालूम है कि सक्सेस के लिए एक ही शॉर्टकट है, सक्सेस के लिए एक ही शॉर्टकट है और वो है डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क खुद करेगा और लोगों से भी हार्ड वर्क करवा के लेगा, ताकि हार्ड वर्क करने से ही उसको सक्सेस मिलेगा ये मालूम है। तो इट इज द ओनली वे टू सक्सेस, इस शॉर्टकट जो है सक्सेस का वो है हार्ड वर्क, और वो करते रहता है। तो ये एंटरप्रेन्योर के कुछ गुण हैं। यदि गुण आप अपने में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आपके बिजनेस में सक्सेस मिलेगा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर करके आप हो जाएंगे। हमारा मिशन है सबके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम देके रहना, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए, सब आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोग अमीर बनना चाहिए, हमारे बैंक का उद्देश्य है। उसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिए, ये वीडियो सबको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।